क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में सोचा है जिन्हें आप पाना चाहते हो? क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप अपनी सैलरी से वो सब चीजें कभी हासिल नहीं कर पाओगे? क्या आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे सब कुछ जानना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आपको पूरी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है? वैसे हम सभी को ऐसा ही लगता है, जब भी हम इकोनॉमिक और फाइनेंस से जुड़े हुए शब्द सुनते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब मामले हमें एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ देने चाहिए। हालांकि ये सही नहीं है, हम सभी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीख सकते हैं। इस बुक में आप जानोगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ना जानने के और इसे अपनी लाइफ में ना अपनाने के क्या नुकसान है। आप अलग अलग तरह की टेक्निक्स सीखोगे जो आपकी अपने पैसे बचाने और फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाने में मदद करेगी। क्या आप अपनी पसंदीदा कार या अपनी मनपसंद जगह घूमने जाने के लिए तैयार हैं? ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे आसानी से अपना बजट बढ़ा सकते हो, भले ही आपको फाइनेंस या फिर इकोनॉमी की कोई भी जानकारी ना हो। रिटायर होते वक्त हम सभी एक जैसी चीजें ही चाहते हैं। हमें एक घर चाहिए, एक कार, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और जिंदगी भर एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड। हम सभी गरीबी से बचना चाहते हैं और एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं। जब लोग इन गोल्स को पाने की सोचते हैं, उन्हें लगता है कि इसके लिए उन्हें काफी अच्छी सैलरी और बहुत ज्यादा सेविंग्स चाहिए होगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये गोल्स एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर बनकर हासिल कर सकते हो। मुश्किल ये है कि इसे ज्यादातर स्कूलों या घरों में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए लोगों को कहीं और से सीखना पड़ता है। अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हो तो आप अपने पैसे गवा देंगे, चाहे आपकी सैलरी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप वो सब पा सकते हो जो आप चाहते हो। ऑथर डेव चिल्टन को अपने बच्चे के पैदा होने से 4 महीने पहले एहसास हुआ कि उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता। डेव अच्छे मार्क्स से कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे और पेशे से वो एक प्रोफेसर है। वो और उनकी पत्नी सूजन अच्छी और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। एक दिन डेव एक मैगजीन में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे और वो परेशान हो गए। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, जैसे कि घर की एमी प्लान करना, रिटायर होने के बाद के सेविंग्स प्लान, इंश्योरेंस प्लान और भी काफी कुछ। डेव चिंतित थे क्योंकि उन्हें इन सब का जवाब नहीं पता था। उन्हें काफी कॉन्सेप्ट्स भी समझ नहीं आए। डेव ने उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जो वो हासिल करना चाहते हैं। उन्हें एक आराम की जिंदगी चाहिए थी, गाड़ी, घर, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी लाइफस्टाइल। उनकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन उनकी आगे की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। अपनी फैमिली के लिए डेव ने सोचा कि उन्हें अपने गोल्स के हिसाब से अपने फाइनेंसेस प्लान करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आपने अपने फाइनेंसेस प्लान करे हैं, या फिर आपने भी डेव की तरह उन्हें इग्नोर कर दिया है? भले ही आपको गोल्स अलग हो, लेकिन फिर भी आपको उन्हें हासिल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत होती है। आप एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ज्यादा पैसे पाने के लिए आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करने की जरूरत नहीं है। एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि इन्वेस्ट करना, सेव करना, सही इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान लेना। डेव चिल्टन एक ऐसे इंसान को ढूंढने लगे जो उन्हें ये सारे स्टेप्स समझा सके। उनको ये सारे स्टेप्स सीखने थे ताकि वो अपने और अपनी फैमिली के लिए सही चॉइस कर सके। किसी ने डेव को कहा कि उन्हें रॉय मिला से मिलना चाहिए, क्योंकि वही जिन्हें इन सब के बारे में पता है। रॉय मिला कौन है? वो खुद एक वेल्थी बाबा है। रॉय लॉ की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि उनके पिता दिल का दौरे पड़ जाने की वजह से गुजर गए हैं। उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़कर अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा। उस समय रॉय ने अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाने का फैसला किया और उनकी माँ ने एक मेड के तौर पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने पिता की बाबा की दुकान को संभाला और अपना सारा एक्सपीरियंस उसमें लगा दिया। रॉय को अपनी बाबा वाली जॉब बहुत पसंद थी। उन्हें लोगों से मिलना, जुलना और बातें करना पसंद था। अपनी जॉब की शुरुआत में उन्होंने हेयर ट्रक बनाया, जो एक बिल्कुल अलग अप्रोच थी। ज्यादातर ट्यूसडे को वो सबसे कम पैसे कमा पाते थे, क्योंकि रिफाइनरीज के वर्कर्स उस दिन अपनी जॉब छोड़कर बाल कटाने नहीं आते थे। इसलिए रॉय ने अपने ट्रक के पीछे एक छोटा सा सैलून बना लिया और उन्हें वर्कर्स के पास ले जाया करता था। वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसे बाकी दिनों में रिफाइनरीज पर जाने के लिए 2 लोगों को काम पर रखना पड़ा। अपने बाबा के काम से इतना सफल होने के बाद भी रॉय सेटिस्फाइड नहीं थे।
हालांकि वो अपनी माँ और बहन की पूरी तरह देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी सेविंग नहीं थी। वो समझ गए कि अब उनके मनी मैनेजमेंट को सीखने का वक्त है, क्योंकि रॉय को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका किसी भी बुक या मैगजीन में नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपने शहर के सबसे अमीर आदमी मॉरिस वाइट से मिलने का सोचा। मिस्टर वाइट से बात करने के बाद रॉय ने वो सब सीख लिया जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जरूरी है। मिस्टर वाइट ने उन्हें फाइनेंशियली सफल होने का सबसे बेस्ट तरीका बताया, साथ ही में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बारे में भी बताया। मरी वाइट की वजह से अब रॉय एक गरीब इंसान से अमीर इंसान बन गया है, जिसके पास एक लेक हाउस है, अपने बिजनेस एक लिए बिल्डिंग है, कई इन्वेस्टमेंट्स है और एक अच्छा सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान है। रॉय को अब एक वेल्थी बाबा के नाम से पहचाना जाने लगा, जो दूसरे लोगों की फाइनेंशियली सफल होने में मदद करते हैं। जब लोग अपना फाइनेंशियल गोल हासिल करना चाहते हैं, वो ज्यादातर सेविंग और बजटिंग पर ध्यान देते हैं। वे या तो अपने कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचाते हैं या फिर अपने खर्चे कम कर लेते हैं। हालांकि इन तरीकों से फ्यूचर के लिए ज्यादा सेविंग नहीं हो पाती है। सबसे सही तरीका अपनी सैलरी का 10% अलग रखना है और उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। हालांकि अभी आपके लिए 10% निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप कुछ अलग तरीके यूज कर सकते हो, जैसे कि हर महीने अपने आप सैलरी से 10% कट जाना। 10% वाला तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल रकम और उसके इंटरेस्ट दोनों पर कमाया गया इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा और आगे जाकर फ्यूचर में आपके पास अच्छी खासी सेविंग होगी। अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। जब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें प्रोफेशनल सलाह और मैनेजमेंट टिप्स भी मिलती है। म्यूचुअल फंड्स में कई सालों तक इन्वेस्ट करने से आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। 10% इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। लोन लेकर ऐसा किया जा सकता है, जिसे छोटी छोटी कम अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स में चुकाया जा सकता है। उस एस्टेट के रेंट से इंस्टॉलमेंट को चुकाया जा सकता है। फिर आप जब चाहो ज्यादा पैसों में उस एस्टेट को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। सिर्फ इस 10% रूल को अपनाकर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऐसा ही कुछ वेल्थी बाबा के एक कस्टमर के साथ हुआ। ये कस्टमर एक आदमी था जिसे अपने पापा से यही लेसन मिला था, हर साल अपने पैसों का 10% इन्वेस्ट करना। उस कस्टमर के फ्यूचर के कोई भी फाइनेंशियल प्लान्स नहीं थे, उनका कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं था और वे सेविंग और बजटिंग भी नहीं करते थे। वे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे भी नहीं चुका पा रहे थे। उन्होंने कमोडिटीज मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हुए $1,500 गवा दिए। मुश्किल ये थी कि वे एक टीचर थे, इसलिए उनकी कोई ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि बिना फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में जाने उन्हें 10% रूल के बारे में पता था और उन्होंने इसे अपनाया भी। इस रूल की वजह से उनकी $650,000 की नेटवर्थ हो गई। उसमें से करीब $150,000 उनके घर और बाकी चीजों का था, लेकिन बाकी का पैसा 10% रूल से ही आया था। 10% रूल को यूज करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, भले ही चाहे इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग में कितना ही बुरा क्यों ना हो। अपनी इनकम का थोड़ा सा पैसा अलग रखकर, चाहे वो $30 या $40 ही क्यों ना हो, आप आगे जाकर उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। क्या आप शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो? आप अच्छे रिजल्ट्स जरूर देखोगे। अपनी विल्स और इंश्योरेंस को प्लान करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग विल्स को देखते ही नहीं है, खासकर तब जब या तो वे अकेले हो या छोटे। हालांकि हम सबको एक विल बनानी चाहिए और उसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या भाई बहन के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। अगर आप अपनी विल अपडेट नहीं करोगे तो आपके प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस आपके मरने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। कुछ लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। डेव चिल्टन एक साथ भी ऐसा ही हुआ। वेल्थी बाबा से बात करने के बाद उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिखे जो एक लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर था वो पैसे जो फैमिली के किसी भी पुराने डेट को चुकाने के लिए चाहिए थे।
दूसरा फैक्टर था सारे खर्ची को ध्यान रखना, जैसे कि इंसान के फ्यूनरल एक्सपेंसेस या फिर बच्चे की पढ़ाई के एक्सपेंसेस। तीसरा फैक्टर है पूरे साल के पैसों का हिसाब लगाना जो आपके परिवार को आराम से जीने के लिए चाहिए। चौथा फैक्टर है महंगाई। ये सबसे जरूरी है क्योंकि महंगाई की वजह से फ्यूचर में हर चीज के पैसे बढ़ते हैं, जिस वजह से हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाती है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देव को एहसास हुआ कि उन्हें अभी के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा वाला इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। आपको भी अपनी विल्स और लाइफ इंश्योरेंस को फिर से देखने की जरूरत है। क्या आपने सही चुनाव किया है? खैर, आप हमेशा अपने फैसले बदल सकते हो और उन्हें बेहतर भी कर सकते हो। आप या तो घर खरीद सकते हो या फिर उसे किराए पर ले सकते हो। चाहे ये हर जगह माना जाता हो कि हर कोई एक घर ले सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। घर लेते वक्त कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। घर सिर्फ तभी खरीदना चाहिए जब ये सारे फैक्टर्स ध्यान रखे हो। अगर आपकी जॉब स्टेडी है जिससे आप घर के लिए लोन ले सकते हो, आप घर ले सकते हो। हालांकि बाकी केसेस में आपको घर रेंट पर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अलग अलग जगह पर रहना पसंद है तो आपको घर खरीदना नहीं चाहिए और एक छोटी जगह लेना ही बेहतर होगा, ताकि आप दूसरे कामों में अपने पैसे बचा सके, जैसे कि यार्ड, गार्डन और बाकी चीजों का ध्यान रखना। आप अपने बचे हुए पैसे किसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में। कुछ लोगों के लिए सही तरीके से घर खरीदना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि देव के पेरेंट्स ने अपना घर $1,500 में खरीदा था। आज उसकी कीमत करीब $2,50,000 है, जिसका मतलब है कि देव के पेरेंट्स को 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। और भी कई फायदे हैं, इसलिए देव के पेरेंट्स ने सिर्फ $3,750 की डाउन पेमेंट देकर घर ले लिया और फिर बस $250 देने ही बाकी थे। घर की इंस्टॉलमेंट उतनी ही थी जितनी रेंट की होती। इसका मतलब है कि देव के पेरेंट्स ने $3,750 इन्वेस्ट किए और उसे $2,50,000 की प्रॉपर्टी में बदल लिया। उस प्रॉपर्टी को खरीदना एक सही फैसला था, क्योंकि उनकी जॉब स्टेबल थी और दो बच्चे थे। देव के पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह यूज किया। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहां वे लंबे समय के लिए रहना चाहते थे और उसी जगह एक घर ढूंढा। ये सारे हालात यही बताते हैं कि घर को खरीदना ही सबसे अच्छा और सही तरीका था। घर खरीदते वक्त या फिर किराए पे लेते वक्त आपको केयरफुल रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अभी जवान है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने वाले हैं। उन्हें दबाव में नहीं आना चाहिए और बल्कि वो करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है। अपने पैसों को सही जगह प्लान करने का मतलब है कि अपने बजट को रोज ऑब्जर्व और प्लान करना। हालांकि अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करना आपके फाइनेंसेस में एक जरूरी रोल निभाता है। अपने रोज के खर्चों को प्लान करना भी काफी असर डालेगा। अपने घर की चीजों के लिए बजट बनाने का मतलब है कि अपने महीने के खर्च और अपने परिवार करने के तरीके को ऑब्जर्व करना। ऐसा करने के लिए आप अपने सारे छोटे छोटे खर्च लिख सकते हैं, जैसे कि बाहर खाना खाना या फिर पेट्रोल भरवाना। फिर आप जो भी रोज चॉइस बनाते हो उससे आपके बजट पर भारी असर पड़ सकता है। आपके खर्चों को ट्रैक करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आप आगे और कितना सेव कर सकते हो। ये आपकी कुछ आदतें बदलने में भी मदद कर सकती है, जैसे कि अपनी रोज वाली जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह से पेट्रोल भरवाना। आखिर में आप देख पाओगे कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितने पैसे सेव कर सकते हो। बिना अपने खर्चों का हिसाब रखे आप बेकार की चीजों पर अपने पैसे बर्बाद कर सकते हो। जैसे कि जॉन ने वेल्थी बाबर की सलाह मानी और अपनी फाइनेंशियल समरी बनाए। जॉन ने देखा कि वह हर महीने रेस्टोरेंट में खाना खाने में $250 से भी ज्यादा खर्च करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक साल में बाहर के खाने में करीब $3,000 खर्च कर देगा। जॉन बहुत शौक हो गया और उसने तुरंत अपनी आदत बदलने का फैसला किया। वेल्थी बाबर से बात करने के बाद डेव ने भी फाइनेंशियल समरी बनाने का सोचा। उन्होंने हिसाब लगाया कि उनकी और उनकी पत्नी की महीने की इनकम करीब $3,300 होगी। 10% घटाने के बाद उनके पास $2,970 बचेंगे। बस पेंशन और इंश्योरेंस की पेमेंट के बाद महीने में बस $2,550 बचेंगे। मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी घर के खर्चे लगाकर उनके पास बस $1,200 बचे। चाहे ये पैसे बहुत कम लगे, लेकिन डेव और उनकी पत्नी की उनके फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे अच्छी थी। उन्हें अपने जीने के तरीकों को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं थी।
इसका मतलब है कि डेव और उनकी पत्नी अपनी पसंद की जिंदगी ही जी रहे थे। एक बेहतर फ्यूचर के लिए उन्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं थी। अपनी फाइनेंशियल समरी को ध्यान से देखने के बाद डेव और उनकी पत्नी ने सोचा कि वे फ्यूचर में एक कार खरीद सकते हैं। अपने 1200 के बजट में से हर महीने पैसे बचाकर वे 3 साल में एक कार खरीद पाएंगे। वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि ये उनके पैसे थे और उन्होंने किसी से भी उधार नहीं मांगे थे। कई लोगों को हर हफ्ते, महीने या साल भर की फाइनेंशियल समरी बनाना बेकार लगता है। हालांकि जॉन ने बाहर खाना ना खाकर $3,000 बचाए, जबकि डेव 3 साल में एक कार खरीद सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे काम करके भी शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। इस बुक में आपने सीखा कि फाइनेंशियल नॉलेज होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये हमें स्कूल या घर में नहीं सिखाई जाती। अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपने रहन सहन का तरीका मन चाहा कर सकते हो। इस बुक ने आपको वेल्थी बाबा की कहानी बताई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वे फाइनेंशियली सफल हुए। इस बाबा के पास अब सब कुछ है जो भी वो चाहता था। आपने 10% रूल को समझा, जो आपको पहले खुद के लिए पैसे बचाना सिखाता है। इसमें आप किसी भी खर्चे से पहले अपनी सैलरी का 10% अलग रख देते हो। ये 10% इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण बढ़ती जाएगी। आपने सीखा कि विल बनाना कितना जरूरी है, चाहे आपके कोई भी डिपेंडेंट हो या नहीं। इसके साथ ही आपने उन फैक्टर्स के बारे में जाना जिन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। इस बुक ने आपको सिखाया कि आपको किसी भी दबाव में आकर घर नहीं खरीदना चाहिए, अगर वो आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ना हो तो। ज्यादातर केसेस में किराए पर घर लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर शुरू में आपके पास सेव करने के लिए सिर्फ $20 या $30 होंगे तो इससे आप आराम से डिस्करेज हो सकते हो। अपने सपनों की तरफ बढ़ने के लिए ये एक बहुत छोटा कदम लगता है, लेकिन वेल्थी बाबा की कहानी आपको सिखाती है कि आप सिर्फ $30 से भी एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। हर महीने $20 या $30 अलग रखकर आप अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ा दोगे। कड़ी मेहनत और अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर आप हर वो चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। ऐसे ही जीवन बदलने वाले बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स शो को जरूर सब्सक्राइब करें।